हेलो सुपर इन्वेस्टर, सबको टेंशन है नेक्स्ट वीक में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मंडे को 27 जून को भी क्या होगा सब लोग सोचते हैं। और देखा जाए तो पिछला वीक हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, 15,200 से निफ्टी 15,700 तक गया, थोड़ा बढ़ा, यही हमारे लिए काफ़ी रिलीफिंग बात है। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट आया होगा, कितना इंप्रूवमेंट आया और कौन सा शेयर ज़्यादा भागा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को जो यूएस मार्केट था उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, उसके कुछ कारण भी है। S&P 500 3% अप था, डाउ जोन्स 2.70% अप, नैसडैक 3.50% अप, स्मॉल कैप 2,000 3% अप। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी जो इंडेक्स थे यूएस के काफ़ी अच्छे तेज़ी में दिखे। उसका कारण ऐसा है कि यूएस फेड ने जो बैंकों के लिए टेस्ट रखी थी कि जो जिसके कारण रिसेशन को फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सभी बैंक्स उस टेस्ट में पास हो गई है। मतलब उन्होंने जो इवैल्यूएशन किया था उसके कारण भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा इन्वेस्टर लोगों का। दूसरी बात, जो ऑयल का जो प्राइस घट रहा है अभी, जो हमें कम हो रहा है, तो उसके कारण भी कॉन्फिडेंस एक मार्केट में आ रहा है फिर से। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि US में जो फेड टैक्स है, फेडरेशन जो टैक्स लगाती है फेड गवर्नमेंट, वो भी घटाने की बात चल रही है, तो जिसके कारण इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल होगा। ये काफ़ी एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आई। उसके अलावा जो होम सेल्स के जो डेटा था वो बढ़कर आया है, एज़ कम्पेयर टू अप्रैल मई में सेल बढ़कर आया है, जो भी होम सेल था यूएसए में उसके कारण भी काफ़ी पॉजिटिविटी आई। तो ये सब कारणों से यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अब देखिए आने वाले दिनों में, तो इसके कारण मार्केट भागा है, तो हो सकता है मंडे को हमें भी इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले। 15,700 को क्रॉस कर 16,000 को जब तक सस्टेन करके क्लोजिंग देता नहीं है, जब तक मार्केट में रिस्की ही कहा जाएगा। और 15,700 से 16,000 तक जाने की धीरे धीरे कोशिश कर सकता है मंडे को। हो सकता है कि कुछ इसमें हमें फिर से बाउंस देखकर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है मंडे को। और इसी का क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका मार्केट सभी काफ़ी पॉजिटिव थे फ्राइडे को, तो देखना यह है कि मंडे को हो सकता है निफ्टी ऊपर जाता हुआ भी दिखे। बट ओवरऑल देखा जाए तो, और कुछ एनालिस्ट भी बोल रहे हैं यूएसए के कि शॉर्ट टर्म में यूएस मार्केट 8-10% ऊपर भी जा सकता है। तो यूएस मार्केट ऊपर गया तो इंडियन मार्केट भी ऊपर जा सकता है। पर उसके अलावा कोई जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 मंथ्स में फिर से मार्केट 10-15% तक गिर भी सकता है। तो ये दोनों मिक्स रिव्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3-6 मंथ्स के लिए लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट नीचे ही जाएगा। और जहाँ तक नेक्स्ट वीक का सवाल है, क्योंकि देखिए लास्ट वीक में काफ़ी रैली देखने को मिली, तो हो सकता है एक आध दो दिन तेज़ी होकर फिर से मार्केट नीचे जाने की भी कोशिश कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। जहाँ तक सवाल है कि अभी नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, तो मानसून का जो अभी जो है इंडिया में मानसून है वो अगर स्टेडी रहेगा और अभी और अच्छा मानसून रहेगा तो उसका भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, उसका क्या होता है उसके ऊपर भी, अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अगर स्टेबल हो जाती है फिर से, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिव पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीक में काफ़ी कंट्रियों के मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जॉबलेस डेटा भी पब्लिश होने वाला है, उसके डेटा के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यूएसए का GDP ग्रोथ कार्ड जो डेटा है वो 29 जून को आने वाला है, उसके बाद में भी मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके अलावा FII और DII सेलिंग का अगर देखोगे तो FII जितना सेल कर रही है उसी के करीब करीब DII भी बाय कर रहा है भारत में, तो ये काफ़ी उसके कारण भी मार्केट सस्टेंड है। तो आने वाले वीक में देखते हैं कि FII ज़्यादा बेचता है कि DII ज़्यादा बाय करता है, उसके ऊपर भी मार्केट का ओवरऑल मेंटेन रहना इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। 1 जुलाई को भारत के सभी कंपनियां अपने ऑटो सेल्स को जो सेल्स डेटा है वो जारी करेगी, अगर वो अच्छा आया तो उसको भी मार्केट पॉजिटिव ले ही लेगा, और अगर ख़राब आया तो उसको भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आप जानते हैं 1 अप्रैल से फिर से Q1 के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, क्वार्टर नंबर जैसे जैसे आएंगे कंपनियों के उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करेगा। Q1 के रिजल्ट अगर कंपनियों के खराब आए बैंकों के और कंपनियों के, तो उसके ऊपर भी मार्केट पे फिर से प्रेशर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से आना शुरू होंगे, उसके ऊपर भी मार्केट का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा वॉर के जो न्यूज़ है, यूक्रेन रशिया वॉर के न्यूज़ जो है उसके भी कुछ ना कुछ आते रहते हैं, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता है। तो कोई बड़ी ख़राब न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर भी सकता है, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट उसको रैली करके ऊपर भी जा सकता है। चाइना में कोविड का लॉकडाउन का भी इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ रहता है, अगर लॉकडाउन कहीं ओपन हुआ तो मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, और लॉकडाउन अगर फिर से और कहीं लगा तो उसको भी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है।
तो ओवरऑल काफ़ी डेटा नेक्स्ट वीक में आने वाला है, बट ओवरऑल जो लग रहा है मंडे को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही खुल सकता है, बट दिन भर में क्या इवेंट्स आते हैं उसके ऊपर भी मार्केट एक तो ऊपर ऊपर ही क्लोज होगा या हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे भी जा सकता है। आपको क्या लगता है मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यूएस और यूरोप मार्केट तो बहुत तेज़ी से भागे थे फ्राइडे को, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीक में मार्केट या मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।